Welcome class 7th in today's online special class of social science. I'm your social science teacher Vipin Mishra, and today we will start with history first chapter, that is medieval India. Students, as you know, history is study of past, and to make this study easy we have divided it into three periods: ancient history, medieval history and modern history. In class 7th we will study about medieval history, that comprises a long period spanning from 6th to 18th century. So students, before we start our chapter, हम लोगों को की टर्म्स, थोड़े से कुछ की टर्म्स नए बताए गए हैं यहाँ पर, उसको पहले जान लेना ज़रूरी है जो हमारे चैप्टर में भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. तो फर्स्ट की टर्म इज़ आर्ट फैक्ट. इट मीन्स रैलिक और वर्क और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट. वो सारी चीज़ें जो हम लोगों को माइनिंग करने पर, खुदाई करने पर, डिगिंग करने पर हिस्टोरिकल बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे पॉट्स हैं या फिर स्टैचूज हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं. सेकंड इज़ क्रॉनिकल. क्रॉनिकल मींस रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर. क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? बहुत सारे जो भी रिकॉर्ड्स हमारे पास रिटन, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं हिस्ट्री को जानने के, उसके साथ साथ रिटन रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस वर्क्स, लिटरेरी सोर्सेस में बहुत सारे हमारे पास जो ट्रैवलर्स आए उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनके अकाउंट्स हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. तो हिस्टोरियंस ने सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, और इसी को क्रॉनिकल्स कहा जाता है. इसे हम सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक सीरीज़ में, एक ऑर्डर में समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमी. इकोनॉमी मीन्स फाइनेंशियल सिस्टम. The operation of a country's money supply, commercial activities and industry. Economy means किसी भी country की economy का मतलब होता है वहाँ पर होने वाली economic activities, लोगों की livelihood, लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से वो क्या कमाते हैं, वो country किन किन economic activities में engaged है, industrial work हो रहे हैं, commercial work हो रहा है, farming हो रहा है, या किस तरीके से वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था देखी जा रही है, इस पूरे सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को इकोनॉमी कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ एपिग्राफी. साइंस ऑफ स्टडी इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफ. एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी इंस्क्रिप्शंस को समझने का साइंस होता है. इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शंस जो पुराने हमारे पास मेडिवल टाइम के किंग्स के जो इंस्क्रिप्शंस है, जो उन्होंने पिलर्स पर, बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस पर या फिर रॉक्स के टैबलेट्स पर अपने आप को बहुत सारा प्रेजेस करते हुए उस पर कुटाई करा के लिखाया जाता है, गया है, उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. और एपिग्राफी क्या है? उसी इंस्क्रिप्शन को रीड करने का एक साइंस है, उसकी स्टडी करने का एक साइंस है एपिग्राफी. नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन. रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिकॉर्ड ऑफ रॉयल प्रोक्लेमेशन. इंस्क्रिप्शंस वो जो रॉयल फैमिली है, जो किंग की फैमिली है, वो होता क्या था कि कई बार जब वो युद्ध जीत जाते हैं या कुछ अचीवमेंट उनको हो जाता है, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को वो एक एविडेंस की तरह या फिर मेमोरी करने के लिए, उसको मेमोराइज करने के लिए बड़े बड़े पिलर्स पर कुटाई करके लिखवा देते हैं, इन्हीं को इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. और इन इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करके हमको उस टाइम के जो किंग्स हैं, राजा हैं, उनके बारे में बहुत कुछ मालूम चल जाता है, उनके अचीवमेंट्स, उनकी जीत हार, और कहाँ तक उनका साम्राज्य कहाँ तक था, उनका किंगडम कहाँ तक था, वो सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें उनके पूरे सोशल इकोनॉमिकल हर तरह के कंडीशन के बारे में पता चल जाता है हमको. नेक्स्ट इज न्यूमिस्मेटिक. साइंस ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स. न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है, जहाँ पर हम लोग कॉइन्स के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि कॉइन्स का क्या है, कॉइन्स भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं. कॉइन्स से भी हमें किसी भी जगह के, किसी भी राजा के टाइम के इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, किस जिस तरह के कॉइन्स वहाँ पर है, और भी बहुत सारे डिटेल्स भी हमको मिलते हैं. तो इन्हीं को एक सिस्टमैटिक वे में, एक साइंस के थ्रू हम स्टडी करते हैं, जिसे न्यूमिस्मैटिक कहते हैं.
नेक्स्ट इज न्यूमिस्मैटिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज द कॉइंस, और वो पर्सन जो न्यूमिस्मैटिक्स को स्टडी कर रहा है, वहाँ पर वर्क कर रहा है, रिसर्चेस करके हमारे पास तक इंफॉर्मेशन आती है, उस पर्सन को हम न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटी, अ सोसाइटी एज अ पॉलिटिकल यूनिट। पॉलिटी मीन्स समथिंग दैट हैज़ अ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज यूनिट। किसी भी जगह पर जहाँ पर एक गवर्नमेंट होगी, कुछ सिटीजन्स होंगे, एक सोसाइटी क्रिएट होगी, एडमिनिस्ट्रेट हो रहा होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो गवर्नमेंट या रूलर या किंग किसी भी वे में जो लोगों के बीच तक जा रहा है, इस सिस्टम को या उस सोसाइटी को हम पॉलिटिकल सोसाइटी या पॉलिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज टेनेंट, इट मीन्स बिलीफ। अ टेनेंट इज़ अ प्रिंसिपल और बिलीफ ऑनर्ड बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। हम जिस भी वे में काम करते हैं, वो हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम या हमने जो भी कुछ सिद्धांत मन हमारे हैं जिनके बेसिस पे हम काम करते हैं, कोई भी पर्सन करता है या ग्रुप ऑफ पर्सन करते हैं, इस बिलीफ सिस्टम को, इस पूरे प्रिंसिपल को हम टेनेट कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेवलेजेस, अकाउंट्स रिटन बाय ट्रैवलर विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज। टाइम टू टाइम हमारे इंडिया में बहुत सारे ट्रैवलर्स आते रहे और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर जिस भी चीज़ को देखा, यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जिस भी चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसको एक रिटन रिकॉर्ड में तैयार किया, एक अकाउंट की तरह तैयार किया, जिसको हम लोग ट्रैवलेजेस कहते हैं। और ये एक बहुत अच्छा सोर्स है हमें हिस्ट्री को जानने का। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम की टर्म्स फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड फॉर टुडे वी आर स्टॉपिंग दिस वीडियो। यू हैव टू लर्न ऑल की टर्म्स, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट मेडिवल इंडिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।